गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, आज हम करेंगे प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी कि इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं। तो ये आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अपने कॉपी पेन को उठाएं और इसके साथ में लिखें भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम इसकी करेंगे डेफिनेशन, यानी कि इसकी परिभाषा। आप इसको साथ के साथ लिखें, मैं इसको बोल रहा हूं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। एक बार और बोल देता हूं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन, यानी कि वे शब्द जो नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक है, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ठीक है, इनके वैसे ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि बार बार हम उसी संज्ञा को यूज नहीं करते, उनके स्थान पर कुछ नए शब्दों को हम उनका प्रयोग करते हैं, जिन्हें उन शब्दों को फिर हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, राम इज अ बॉय, अभी एक सेंटेंस है, तो इसके अंदर राम क्या है, हमारा नाउन है, और जब हम उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं आगे कि ही इज माय फ्रेंड, तो कौन है फ्रेंड उसका, राम, तो हम राम की जगह अब क्या यूज कर रहे हैं, ही, तो ही क्या हो गया हमारा प्रोनाउन। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, दैट इज योर बुक, वह तुम्हारी बुक है, तो इसके अंदर जो योर शब्द है मतलब वह हमने उस व्यक्ति के लिए किया है जिसकी वह बुक है, यह है तुम्हारी बुक है, यानी कि सेकंड पर्सन के लिए हमने इसके यूज किया है, तो यूअर क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार कितने प्रकार है, सर्वनाम के यहां पर हमने 7 प्रकार लिखे हैं, बारी बारी से हम उनको डिटेल में भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनके नाम को जान लेते हैं कि इनके नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला नाम है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पी ई आर एस ओ एन ए एल, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आर ई एफ एल ई एक्स आई वी ई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, हम इसको सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं। तीसरा जो है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डी ई एम ओ एन एस टी आर ए टी आई वी ई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो फोर्थ टाइप है वो है आर ई एल ए टी आई वी ई, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो हमारा टाइप्स है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डी आई एस टी आर आई बी यू टी आई वी ई, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक सर्वनाम। जो सिक्स्थ हमारा टाइप है वो है इनडेफिनिट, आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई, इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सबसे लास्ट में है जो हमारा सेवंथ जो टाइप है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब पर्सन वाचक सर्वनाम, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई
V-E, interrogative pronoun, ठीक है? तो ये हमारे सात इसके टाइप्स हैं और प्रोनाउन की हमने परिभाषा कर ली है। अब हम इसको बारी बारी से एक एक करके इनकी डिटेल में जानेंगे कि कौन सा प्रोनाउन किस प्रकार और कैसे यूज होता है, ठीक है।